अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज जो है चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड प्राइवेसी का लास्ट टॉपिक डिस्कस हम करने लगे हैं, विच इज़ साइबर क्राइम। पेज नंबर 90 ओपन कर लें अपना। 4.5 टॉपिक है आपका साइबर क्राइम। मार्किंग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, साथ साथ मार्किंग करते जाएँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, साइबर क्राइम क्या होता है हमारे पास? साइबर क्राइम वैसा क्राइम होता है जो हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइसेस को यूज़ करते हुए करेंगे। जो क्राइम क्रिमिनल्स है वो करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास? साइबर क्राइम कहलाता है। अब आपको पता है कि जो कंप्यूटर है हमारा या इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए एक अमेजिंग टूल है। यानी हम डिफरेंट यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकें, चाहे वो जितने मर्जी डिस्टेंस पर क्यों ना बैठे हों। इसी तरह ये जो अमेजिंग टूल इंटरनेट अगर कम्युनिकेशन के लिए हमें लोगों से जोड़ रहा है, तो वही क्रिमिनल्स को भी ये कम्युनिकेट, सेम कम्युनिकेशन इज़ आल्सो अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल। तो ये क्रिमिनल्स के लिए भी एक अच्छा ग्रेट टूल है। तो ऐसा क्राइम जो कि कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइसेस को यूज़ करते हुए किया जाए, वो हमारे पास क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है। द इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन, अलाउंग यूज़र टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर ग्रेट डिस्टेंसेज। अनफॉर्चुनेटली द सेम कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल्स। इन अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेज आर यूज इज़ कॉल्ड अ साइबर क्राइम। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास? साइबर क्राइम कहलाता है कि वो क्राइम जो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइसेस को यूज़ करते हुए किया जाए, वो क्या कहलाता है हमारे पास? साइबर क्राइम कहलाता है। ये जो है पैराग्राफ, इसकी डेफिनेशन थी। नीचे जो है अब हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट होने लगी, एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के सिर्फ नाम आप लोगों ने लिखने हैं, और अलग से ये खाली एग्जाम्पल्स के बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली फिर उसके आंसर को डिफाइन करना। ठीक है, सबसे पहली एग्जाम्पल आ रही है आपके पास आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है कि ये जो है हमारे पास हैकर जो है वो क्या करता है कि हमारा फेक ईमेल या यूज़ कर लेता है हमें ट्रैप करने के लिए, हमारी पासवर्ड या अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। यानी अपनी आइडेंटिटी चेंज करके हम तक रसाई हासिल करता है कि हम जो है उसको अपना अकाउंट का पासवर्ड या इंफॉर्मेशन जो है वो उसको प्रोवाइड कर दे। वन कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज आइडेंटिटी थेफ्ट। हैकर्स में यूज़ फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवन टू गिव पासवर्ड एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उसमें अपनी आइडेंटिटी चेंज करके वो हमारे से हमारा अकाउंट या पासवर्ड मांगने की कोशिश करता है। सेकेंड जो है वो है हमारे पास ट्रांजेक्शन फ्रॉड। ट्रांजेक्शन फ्रॉड जो है ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास क्राइम की, आजकल के ऑनलाइन अरीना का मतलब होता है एरिया, या आजकल के ऑनलाइन जो दौर है उसमें। तो आ स्कैमर में ऑफर एन आइटम फॉर सेल थ्रू एन एक्विशन साइट विद नो अटेंशन ऑफ डिलीवरिंग वंस ही शी रिसीव पेमेंट। ठीक है, अब एक जो स्कैमर होता है वो जो है मे बी ऑफर करता है कोई चीज़, या कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करता है जो कि कोई होगी शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर से। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि जब आप कर रहे होते हैं शॉपिंग, तो आपने अपनी कुछ ऑनलाइन चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, ऑनलाइन अपनी डिटेल्स कुछ प्रोवाइड करनी होती हैं, या आइटम कोई लगा देता है वो सेल के लिए जो है। इसलिए स्कैमर जो होता है वो बेसिकली फ्रेब को कहा जाता है, कि एक फ्रेब से देने वाला, कि आप उसकी वेबसाइट पे वो अपनी कोई ऐसी चीज़ लगा देता है सेल में जो कि उसकी इंटेंशन नहीं होती उसको डिलीवर करने की। सिर्फ उसका क्या काम होता है कि उसने उस चीज़ से जो है थी पेमेंट रिसीव करनी होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक ये ट्रांजेक्शन फ्रॉड है कि आप जो है अपनी चीज़ की पेमेंट तो दे देते हैं, लेकिन एट द एंड आपको जो है वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए आपने पेमेंट की होती है। और जो स्कैमर होता है, जो फ्रेब करने वाला होता है, वो सिर्फ आपसे लेके पैसे लेके बाद में वो आपको ब्लॉक कर देता है, या जो भी कुछ ऐसा काम कर लेता है। ठीक है, और इसके बरक्स वो कहते हैं जो क्रिमिनल है वो क्या कर सकता है कि माइट परचेज एन आइटम फॉर सेल यूजिंग अ स्टोलन क्रेडिट कार्ड। यानी अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि क्रिमिनल जो है आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए कोई चीज़ जो है वो ख़रीद सकता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू बाय समथिंग फ्रॉम ऑन क्रेडिट कार्ड एंड देन रिपोर्टिंग द कार्ड स्टोलन।
दिस इज़ आर ट्रांजेक्शन फ्रॉड इफ़ आ कार्ड होल्डर क्लेम्स चार्ज बैक, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है कि आपके पास फिर वो, आपको पता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी चीज़ निकालते हैं या पैसे अमाउंट निकालते हैं तो आपको फ़ौरन बैंक की तरफ से एक मैसेज शो होता है, ठीक है? तो जब वो आपके पास इस तरह से यूज़ करेगा तो फ़ौरन उसको जो है क्या मिल जाएगा, वो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतने पैसों की जो है वो ट्रांजेक्शन हुई है। और जो अगर आप उसकी रिपोर्ट करा देंगे कार्ड के कि मेरा कार्ड गुम हुआ हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये आपके पास एक ट्रांजेक्शनल फ्रॉड इसलिए कहलाएगा कि कार्ड होल्डर जो है वो क्लेम करेगा अपने पैसे वापस लेने के लिए। इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजेक्शनल फ्रॉड कहा जाता है। थर्ड जो है इसमें एग्जांपल है आपके पास एडवांस फ्री फ्रॉड। अब समटाइम्स ऐसे होता है बेटा, आपको ना मैसेज आते हैं कि मुबारक हो कि आपके ने एक बड़ा घर जीत लिया है या आपने बहुत बड़ी कार जीत ली है या कुछ भी इस तरह से कि आपने इतनी अमाउंट जीत ली। अक्सर ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो ये ऐसे मैसेजेस जो हैं ये क्या कहला रहे होते हैं, एडवांस फ्री फ्रॉड। यानी जहाँ हैकर्स जो हैं आपको कंग्रेचुलेट करते हैं कि आपको मुबारक हो जी आपने ये इतना बड़ा इनाम जीत लिया है, लेकिन इस इनाम को अपने तक पहुंचाने के लिए एक छोटी सी अमाउंट आपको ना देनी पड़ेगी, ताकि हम ये जो आपकी चीज़ें हैं, आपका घर है या आपकी गाड़ी है, इसको हम डिस्पैच करवा सकें। और ये बहुत कॉमन टाइप है साइबर क्राइम की, और बहुत से यूज़र्स जो हैं वो इस चीज़ का जो है वो शिकार हो चुके हुए हैं। अब तो खैर लोगों को समझ आ गई, जब इस शुरू शुरू में ये चीज़ आई थी तो बहुत से लोगों ने ऐसे छोटी सी अमाउंट ट्रांसफ़र करवा देते थे या जितनी वो अमाउंट मांगते थे तो वो करवा के, तो वो उसके बाद वो गुम हो जाते थे और रता पता कोई नहीं होता था, ठीक है? समटाइम्स द हैकर कंग्रेचुलेट यू अपॉन विनिंग अ बिग प्राइज एंड आस्क यू टू पे अ स्मॉल अमाउंट इन एडवांस सो द प्राइज कैन बी डेट सो डेट द प्राइज कैन बी डिस्पैच। वो कहते हैं कि समटाइम्स ऐसे होता है कि हैकर आपको कंग्रेचुलेट करता है कि आपने एक बिग प्राइज जो है वो विन किया, और आपको उसके लिए कहता है कि एक स्मॉल अमाउंट दें पहले एडवांस में, ताकि आपका जो प्राइस है वो क्या कर सके, डिस्पैच आप तक पहुँचाया जा सके। दिस इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। तो ये साइबर क्राइम की क्या एक मोस्ट कॉमन टाइप है। द ल्योर ऑफ ईजिली वेल्थ हैज़ फाउंड एंड मैनी विक्टम्स ऑफ दीज फ्रॉड्स। ल्योर का मतलब होता है लालच, ठीक है? यानी इस लालच में बहुत से लोग आ जाते हैं कि हमें पैसे या गाड़ी या घर जो भी है वो मिल रहा है, और बहुत से विक्टम्स बन जाते हैं इस फ्रॉड के। इसके बाद नेक्स्ट जो है एग्जांपल है वो आपके पास हैकिंग की। हैकिंग जो है ये सबसे कॉमन जो है वो साइबर क्राइम की टाइप है आपके पास। ये हैकिंग क्या होती है कि गैर कानूनी तौर पे किसी के भी कंप्यूटर को असेस कर लेना, ये आपके पास क्या कहला रही होती है, हैकिंग कहला रही होती है, ठीक है? एंड अदर साइबर क्राइम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग इलीगली असेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर। यानी गैर कानूनी तौर पे किसी के कंप्यूटर को हैक कर लेना आपके पास क्या कहला रहा होता है, हैकिंग कहला रहा होता है। दिस हैपन मोस्टली व्हेन यू डाउनलोड सम फाइल फ्रॉम इंटरनेट एंड एग्जीक्यूट इट विदाउट नोइंग डिटेल्स। यानी ये तब होता है आपके पास जब आप डाउनलोड करते हैं कोई फाइल इंटरनेट से और विदाउट उसकी इंफॉर्मेशन लिए आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, अपने एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं, तो उस फाइल के साथ जो है कुछ वायरस आता है। जो वायरस होता है वो हैकर ने भेजा होता है आपके इंटरनेट आपके कंप्यूटर को यहाँ एसेस करने के लिए, ठीक है? यहाँ वो कहते हैं कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में जो कनेक्ट होता है किसी और के कंप्यूटर के साथ, और विदाउट योर परमिशन वो जो पर्सन है वो आपकी जितनी कंप्यूटर का डाटा है उसको असेस कर सकता है। उसका जो काम होता है हैकर का वो क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को करना गैदर, और फिर उसको आपकी नॉलेज में लाए बगैर कहीं पे भी उसका मिसयूज़ कर लेना। और इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे पास स्पाईवेयर कहलाते हैं। आज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर कनेक्ट समवन एल्स टू योर कंप्यूटर विदाउट योर परमिशन। द एम इज़ टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स विदाउट देयर नॉलेज। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड स्पाईवेयर। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, हैकिंग आ जाता है। और लास्ट जो है एग्जाम्पल है साइबर क्राइम की वो है आपके पास पायरेसी। पायरेसी जो है ये हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 75 पे, वहाँ से आप जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं, और इसको डिस्कस भी वहाँ से अगर ये आ जाता है तो वहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो पायरेसी इज आल्सो अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ये क्या थी हमारे पास, इसकी डिटेल जो है हमने देख ली थी, और उसके बाद जो है हमने इसकी डिटेल देख ली थी, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं, ठीक है? अब जो है बेटा यहाँ पे एक वेबसाइट है आपके पास
nrc.gov.pk के नाम से, ठीक है। ये वेबसाइट खास बनाई गई है साइबर क्राइम्स की रिपोर्ट करने के लिए। अगर आप कोई भी साइबर क्राइम के, जितनी आपने एग्जांपल्स पढ़ी हैं उसमें से किसी भी टाइप के विक्टम आप अगर बन चुके हुए हैं, तो यहाँ जाके आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वेबसाइट के ऊपर के डिफरेंट यहाँ पर रिपोर्ट आपने करनी है, या किस तरह से जो भी चीज़ आपकी साइबर क्राइम प्रिवेंशन टिप्स या अचीवमेंट्स, और ये इनकी सारी वेबसाइट पूरी एक गवर्नमेंट ने हमारे बनाई हुई है, जहाँ पर जाके आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकते हैं। या जिस तरह हमने एडवांस फ्री फ्रॉड पढ़ा कि उसमें जो थे लोग उसके बन जाते हैं, उसके मतलब आ जाते हैं कि इसमें कि आपके यही नाम निकला और उसमें अपनी अमाउंट जो है वो यूज़ कर देते हैं, तो इसके लिए जो है आप लोगों को ज़रूरत है कि आपका अगर ऐसा कोई मैसेज आए या कुछ भी हो, तो यहाँ जाके उस नंबर के ख़िलाफ़ या उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन से रिपोर्ट करें, ठीक है। नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम, ये स्पेशल वेबसाइट बनाई गई है साइबर क्राइम से बचने के लिए, क्योंकि ये साइबर क्राइम जो है काफ़ी हद तक फैल चुका हुआ है हमारे माशरे में। लोग बहुत सी इलीगल लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो कोई चीज़ जो डाउनलोड करें इंटरनेट के साथ, उसके साथ कोई वायरस आ रहा है, वो हैकर जो है वो आपके कंप्यूटर तक एक्सेस ले रहा है। तो इसलिए बेटा जो है ना, सोच समझ के कोई भी चीज़ जो है वो डाउनलोड किया करें, ऐसे ही ना कर लिया करें। स्पेशली लिंक्स वगैरह जो होते हैं उसको बिल्कुल ओपन ना किया करें विदाउट प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। तो इस चीज़ से ना आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक। आपने इसको अच्छी तरह से याद करके लर्न करना है, और या लर्न करके लिखना ज़रूर है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।